हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज हम बताने वाले हैं स्टंप पर मैसेंजर का ऑप्शन कैसे लाएं। तो गाइज जैसे आप देखते हैं तो हमारे दोस्तों स्टंप पर इस टाइम मैसेंजर का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। गाइज देख सकते हैं तो फिलहाल गाइज मैं बता दूँ इंस्टाग्राम ने क्या कर रखा था। काफ़ी लोगों को मैसेंजर का ऑप्शन दे रखा और काफ़ी को बिल्कुल भी नहीं दे रखा। तो गाइज काफ़ी लोग वीडियो देख देख के थके, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी और गाइज काफ़ी लोगों ने मैं रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइज अपने वो मैसेंजर का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं आज की वीडियो में यही बताने वाले हो। गाइज आपके सामने लाइव ला के दिखाएंगे। गाइज मेरा आप अकाउंट देख सकते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल देखते मेरे देखते हैं मेरा रियल अकाउंट है। और गाइज यहाँ पे देखते तो मैसेंजर का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मैं इसमें चलता हूँ और गाइज यहाँ पे आपको स्वाइप अप का ऑप्शन और इमोजी का ऑप्शन यहाँ पे देख देते बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर आपको जो इंस्टाग्राम है आपको उसको करना है डिलीट। ठीक है, इस पर हम ऐप इन्फो पे जाते हैं, यह वाला इंस्टाग्राम कर देना डिलीट। तो दोस्तों इसमें तो बिल्कुल भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी कर लें। तो आपको एक इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लें। तो ये स्टैंडर्ड नाम से इंस्टाग्राम है न्यू, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप ओपन करने का करना है अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। मैंने पहली आईडी पर लॉगिन कर रखी, मेरी आईडी देखते हैं वही है। ठीक है, फिलहाल मैं आईडी दिखा देता हूँ, मैंने इसमें भी लॉगिन कर रखी ऑलरेडी और इसमें मेरा ऑप्शन नहीं है। तो गाइस मैं आपके सामने ऑप्शन लाइव लाने वाला हूँ, इस बारे में मैंने ऑप्शन नहीं लाया अभी तक। ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों घर से होम सा बना हुआ, आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक कर रखना है। जैसे आप क्लिक करें लोडिंग का ऑप्शन चलता है तो आपको छोड़ देना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है मॉडिफाई क्विक एक्सपेरिमेंट, आपको देखते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, ऊपर सर्च करना है सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड बबल सिस्टम। ठीक है, हम डाल देते हैं, आपको लिखा हुआ भी आ रहा होगा दोस्तों डायरेक्ट एंड्रॉयड बबल सिस्टम, इस टाइप से आपको लिखा हुआ आ रहा होगा ये देखते हैं। तो गाइस इस लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। गाइस आपको दो ऑप्शन मिलेंगे डायरेक्ट एंड्रॉयड बबल सिस्टम, देखते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको ऑन करने हैं, डायरेक्ट एंड्रॉयड बबल सिस्टम ट्रू फाल्स, फाल्स दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। ठीक है, इन्हें ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको बैक करना है। ठीक है, आपको फिर एक और बार सर्च करना है गाइस, एक दूसरे नंबर सर्च करना है डायरेक्ट इंट्रॉप, डाल देते हैं दोस्तों, आपको लिखा हुआ भी आ रहा होगा डायरेक्ट इंट्रॉप डिपेंड, आपको ये चीज़ सर्च करनी होगा। सर्च करने में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको दूसरे नंबर का जो उसे ऑन कर देना है। ठीक है, इस टाइप से हम ऑन कर देते हैं, हमने ऑन कर दिया। फिर अगर हम तीसरे नंबर पर सर्च करते हैं, डाल देते हैं इसमें तीसरे नंबर पर आपको सर्च करना है रिप्लाई, रिप्लाई का ऑप्शन खाली आपको रिप्लाई डालना है, सर्च कर लेना है। जब सर्च करते हो आपको सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर देखना है डायरेक्ट क्विट रिप्लाई, डायरेक्ट क्विट रिप्लाई आपका ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे देखते हैं तो अगर डायरेक्ट क्विट रिप्लाई ट्रू और फाल्स। ठीक है, आपको फाल्स का ऑप्शन क्लिक कर दे रहा है, देखते हैं तो ये रहा। इसे भी हम क्या करते हैं, इसे दोस्तों ऑन कर लेते हैं डायरेक्ट क्विट रिप्लाई को। ठीक है, और नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, इसे भी ऑन कर लेते हैं। तीन ऑप्शन ऑन करने हैं, देखते हैं डायरेक्ट क्विट रिप्लाई स्टेप से लिखा हुआ आ रहा है आपको, डायरेक्ट क्विटेड रिप्लाई, डायरेक्ट क्विटेड रिप्लाई, आपको चीज़ देख लेनी है। तो आपको ये तीन ऑप्शन यहाँ से ऑन कर देने हैं। ऑप्शन में ऑन करने बाद इसका आपको करना है, आपको चौथे नंबर एक और चीज, चौथे नंबर पर सर्च करना है डायरेक्ट मैसेज रिएक्शन, डायरेक्ट मैसेज आपको ये चीज़ सर्च करें डायरेक्ट मैसेज रिएक्शन, जैसे देखते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑफ मिलेंगे, तो गाइस आपको डायरेक्ट मैसेज रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको दूसरा और तीसरा के दोस्तों ऑन कर देना है, जैसे देखते हैं दूसरा और तीसरा ऑन कर देना है। फिर गाइस आपको पांचवें नंबर सर्च करना है, जैसे आप देखो वो आ रहा होगा वैनिश, इस टाइप से आपको खाली वैनिश सर्च करना है। वैनिश करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं आप वैनिश मोड। ठीक है, इसे भी ऑन कर देना है, तो ये ऑन कर देते हैं हम, इन्हें ऑन कर दिया हमने गाइस। तो गाइस आपको छठे नंबर पर खाली डालना थीम कस्टो, जैसे आप डालेंगे तो ऑप्शन ऐप को आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर आपको छः सात एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ सात ऑप्शन आपको ऑन कर देने। ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको स्टेप अपना बैक कर देना है। ठीक है, बैक करने में हम अपने स्टेप आपको ओपन करके यहाँ दिखा देते हैं गाइस। जैसे आप देखते हैं तो हमारा मैसेंजर का जो ऑप्शन है ऊपर यहाँ पर आ चुका है गाइस। जैसे मैसेंजर का ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं, आपको देखते हैं लाइव दिखाया आपके सामने मैसेंजर का ऑप्शन जब नहीं था और हमारा अब आ चुका है, इसको हम क्लिक करते हैं। और दोस्तों हम किसी का रिप्लाई देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम रिप्लाई भी आप कर सकते हैं, देखते हैं रिप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं तो इमोजी का ऑप्शन भी आ रहा है, इमोजी भी यहाँ ला सकते हैं। तो इस तरह से आपका मैसेंजर का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, आप सॉफ्टवेयर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब और यहाँ स्टेप आराम से।